दोस्तों, यह है इंडिया का पहला बियर्ड ट्रिमर जो कि स्मार्ट मेमोरी फंक्शंस के साथ में आता है। यह है वेगा S1 और यह है वेगा S2। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिमर के बारे में बताने वाला हूं। काफ़ी यूनिक है, देखते रहिए। यह है वेगा S1 और यह है वेगा S2। सबसे पहले S1 की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, 3-speed सेटिंग्स, टाइटेनियम ब्लेड, डिजिटल डिस्प्ले जो कि इसकी यूनिक चीज़ है, और जो अन्य फीचर्स है उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्विक चार्ज सपोर्ट करता है, बढ़िया रन टाइम आपको मिलने वाला है, ट्रैवल लॉक के साथ में आता है और ये IPX7 वाटर प्रूफ है। तो बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट को इस प्रकार से पैक किया हुआ है। तो बॉक्स में ये है बियर्ड ट्रिमर, इसके ऊपर ये कोम लगा हुआ है और साथ में ये एडिशनल कोम दिया हुआ है। ये है ऑयल, USB 2 Type-C केबल, ब्लेड्स को क्लीन करने के लिए ब्रश दिया हुआ है, और ये है कैरी पाउच, ट्रैवलिंग के लिए काम में आ सकता है। यूज़र मैनुअल और वारंटी बुकलेट भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। चलिए अब ये जो वेगा S2 है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सेम फीचर्स मिलता है और ये भी क्विक चार्ज के साथ में आता है, लेकिन इसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं दिया हुआ है। तो जो पैकिंग का स्टाइल है वैसा ही है। ये जो ट्रिमर है इस प्रकार का दिखता है, इस पर ये कोम हेड लगा हुआ है, एक एडिशनल कोम हेड भी दिया हुआ है, ब्रश ब्लेड्स को क्लीन करने के लिए, USB 2 Type-C केबल और यूज़र मैनुअल और वारंटी बुकलेट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोनों ट्रिमर्स की जो बिल्ड और फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है और जो डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट सेम है। फीचर्स में थोड़ा सा अंतर है। ये जो S1 मॉडल है इसके ऊपर ये बटन दिया हुआ है जिसे प्रेस करके आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि इसमें जो बैटरी है वो कितना लास्ट होने वाला है, और ये जो बटन है इसे अगर आप प्रेस करेंगे, देखिए किस प्रकार से इसका जो कलर है ये चेंज होता है, प्लस स्पीड मोड्स भी चेंज होता है। तो ये बेसिकली स्पीड कंट्रोल्स के साथ में आता है, और यहाँ पर पीछे की तरफ ये डायल दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप ये जो हेड है इसका जो साइज़ है ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और ये अब 0 लेवल पे आ गया है, और ये जो कोम है इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं, और ये जो बड़ा साइज़ दिया हुआ है इसे मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो 2 टाइप के कोम दिया हुआ है, डिपेंड करता है, अगर आपका वैसा रिक्वायरमेंट है तो आप ये जो कोम है इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो ब्लेड्स हैं इन्हें आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं क्लोज ट्रिमिंग के लिए। वेगा S2 में भी वही सेम फीचर दिया हुआ है और सेम फंक्शनैलिटी, मतलब कि 3-speed ऑप्शंस के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर नहीं है, लेकिन आपको ये LED इंडिकेटर मिल जाएगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कितना बैटरी बचा हुआ है। और यहाँ पर भी ये देखिए डायल दिया हुआ है जिससे आप ये जो हेड है इसका जो लेंथ है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये वेगा S1 ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, और मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए जाएं। वैसे जो ट्रिमर है इसका जो ब्लेड है इसे आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, पानी के नीचे आप इसे साफ़ कर सकते हैं, प्लस ये जो भाग है ये इस प्रकार से निकल भी जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई बाल अटका होगा तो उसे भी आप आसानी से निकाल पाएंगे, और ये बड़ी आसानी से इस प्रकार से क्लिप हो जाता है। ये स्पेशली कस्टमाइज़ किया हुआ है कंफर्टेबल ट्रिमिंग के लिए और प्रिसाइज ट्रिमिंग के लिए। तो ये बेसिकली 3 मोड के साथ में आता है, एको मोड लाइट ब्लू, रेगुलर और फाइन बियर्ड ट्रिमिंग के लिए, प्रो मोड ग्रीन कलर जो कि थिक बियर्ड के लिए और स्टाइलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और मैक्स ब्लू कलर जो कि लॉन्ग और डेंस बियर्ड के लिए और अल्ट्रा प्रिसाइज ट्रिमिंग के लिए। और ये जो ट्रिमर है ये स्मार्ट मेमोरी फंक्शंस के साथ में आते हैं, तो जो भी मोड आपने सेट किया हुआ है अगली बार जब आप इसे फिर से यूज़ करेंगे तो वही सेम मोड यूज़ होने वाला है। तो ये जो स्मार्ट मेमोरी है ये देखिए इस प्रकार से काम करता है। अब ये ग्रीन पे है, मैं इसे ब्लू पे लेके जाता हूँ, मतलब कि जो मोड है स्पीड मोड उसे मैंने चेंज किया हुआ है, और मान लीजिए जो बियर्ड है उसे ट्रिम करने के बाद मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, और अगले दिन मुझे फिर से जो बियर्ड है उसे ट्रिम करना है, तो जो ब्लू मोड है ये रिमेम्बर करेगा, और जैसे ही मैं ये बटन को प्रेस करूँगा ब्लू मोड एक्टिवेट हो गया है। तो इस प्रकार से ये रिमेम्बर करता है कि लास्ट मोड मैंने कौन सा यूज़ किया हुआ है, ताकि बार बार आपको ये जो मोड्स है इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो S1 बियर्ड ट्रिमर है रबराइज्ड ग्रिप के साथ में आता है, इस पर स्किन फ्रेंडली टाइटेनियम ब्लेड्स का उपयोग किया गया है। टाइटेनियम ब्लेड्स का एक और फ़ायदा ये है कि ये राउंडेड टिप्स के साथ में आते हैं, स्किन कट्स नहीं होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, रस्ट प्रूफ है। ये क्विक चार्ज सपोर्ट के साथ में आता है, 5 मिनट्स का चार्ज आपको तकरीबन 10 मिनट्स का रन टाइम दे सकता है, और फुल चार्ज के लिए तकरीबन 90 मिनट्स के आसपास लग जाते हैं,
और फुल चार्ज के बाद आपको तकरीबन 120 मिनट्स का यूसेज टाइम मिल जाता है। वेगा S2, इस पर आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिलता है, 160 मिनट्स का रन टाइम मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। तो ट्रैवल लॉक के लिए ये जो पावर बटन है, इसे आप प्रेस करके होल्ड कर सकते हैं 3 सेकेंड्स के लिए। ये देखिए, अब जो ट्रैवल लॉक फीचर है ये एक्टिवेट हो गया है। अब एक्सीडेंटली जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर मुझे इसे अनलॉक करना है तो अगेन प्रेस एंड होल्ड 3 सेकेंड के लिए। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी मिलता है, अब ये अनलॉक हो गया है। तो ये देखिए, अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो ये काम करना शुरू करता है। तो ट्रैवल लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप ट्रैवलिंग करते हैं। तो बियर्ड ट्रिमिंग इसके साथ में काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी कंफर्टेबल है और जो ब्लेड्स है ये काफ़ी शार्प है। प्रिसाइज बियर्ड ट्रिमिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। इन बियर्ड ट्रिमर्स का प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है, अंडर ₹1,500। एग्जैक्ट प्राइसिंग, ऑफर्स और लिंक जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।